हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीएस के ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस एक छोटी सी राइड भी हो जाएगी सोचा, और क्योंकि मार्केट जा रहे हैं थोड़ा काम से, तो बातचीत भी हो ही जाती है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के संग शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली देखो, इस टाइम पे ना बहुत सारे राइडर्स जुड़ रहे हैं, मतलब रैपिडो, ओला या उबर में, तो वो जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मेरे से कुछ लोग पूछ रहे थे और बोल भी रहे थे कि सर, क्या आपको कंपनी कुछ पे करती है कि आप इतना उनके रिगार्डिंग वीडियोस बनाते हो, तो और आपको अब तक कितना रुपये मिला है। तो देखो, मुझे रैपिडो में अब तक शायद 5600 रुपये मिला है रेफरल का, रेफरल अमाउंट। और बहुत सारे लोग, मुझे लगता है मोर देन 150 लोग मेरी आईडी से जुड़ चुके हैं अब तक रैपिडो में, लेकिन मुझे रैपिडो ने कोई एक्स्ट्रा कुछ ऐसा पे नहीं किया है। और उसके लिए मुझे रैपिडो कोई अलग से पैसे नहीं देती है कि आप प्रमोशन कर रहे हो तो ये लो पैसा, क्योंकि देखो मैं वो अपना व्यू रखता हूँ एज ए कस्टमर और एज ए कैप्टन। तो मुझे बल्कि रैपिडो ऑफिस में विज़िट किया हूँ दो बार, उसका वीडियो भी चैनल पे है। उसमें वो लोग बोल रहे थे कि आप क्या ये फालतू वीडियोस बनाते हो, आप कोई अच्छा बनाओ, फिल्म का रिव्यू दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसी का वीडियो बनाता हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप मुझे बोलो कि ये अच्छा है तो वही बनाओ। तो जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं इसमें, उनसे बोलूँगा कि देखो अभी जो टाइम है, आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हो व्हाट्सएप पे और ग्रुप पे, बोलते हो कि यार भैया ये देखो इतने 6 घंटा चलाया है और अर्निंग नहीं हुई है, 7 घंटा चलाया अर्निंग नहीं हुई है। तो इस टाइम पे तो अर्निंग आप भूल जाओ, 200-250 रुपये होता है अर्निंग दिन भर में बस। वैसे आप लोगों ने एक राइड में देखा होगा, ये हिंदुस्तान पुल है फुसरो का। जय हो भैंस माता। शर्म आ रही है क्या? उतार दिया हेलमेट? अच्छा, तो आप लोग इसके अलावा भी कुछ काम करते रहो, सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। जैसे कपिल भाई ने अपना जॉब, ये जो है बाइक टैक्सी का जॉब जो है छोड़ दिया है, उसका मैंने एक राइड पे इंटरव्यू लिया था, एक बातचीत की थी हमने इंटरकॉम में। तो उसका छोड़ने का भी रीज़न यही था कि 8-8, 10-10 घंटा वो बिताते हैं और इनकम होती नहीं है कुछ, इस वजह से उन्होंने छोड़ा। बाकी वीडियो पर बने रहो, जो भी बातें होती हैं बताता चलूँगा। मैंने जो कल वीडियो अपलोड किया था, आधी जर्नी जो थी आगरा से लेकर और रायबरेली तक का था, मैं लॉज में रुका। देन अब जो अगली वीडियो डालूँगा वो मेरी होगी रायबरेली से लेकर और बोकारो स्टील सिटी घर तक का सब पूरा सफ़र, और उस दौरान कितनी सारी बातें हुई है, क्या क्या मज़े आए रास्ते में, कितने मैं बारिशों का सामना करा हूँ, मतलब बहुत मज़ा आया उस राइड में। तो ज़रूर देखना वीडियो उसको भी। बस यही चाहता था मैं कि एक बढ़िया सी माइक मिल जाए, मतलब पूरा सेटअप हो जाए, दिल की बातें राइड पे करा जाए। तो आज वो सेटअप पूरा हो चुका है और बहुत अच्छा लगता है यार कि आप अपना काम भी करो, एक्सपीरियंस भी शेयर करो और सब कुछ करो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम आ गए हैं फुसरो के मेन मार्केट में। क्या ही बताऊँ मैं इस मार्केट के बारे में, ये मैं दिल्ली से लेके आया हूँ बाइक, वहीं से चला के आया हूँ। तो होता है, मतलब वैसे काफ़ी मैंने कैमरा बंद रखा था पहले, और पूछ रहे थे कि भाई साहब ये जो कैमरा आपने लगाया हुआ है ये हेलमेट में लगा ही रहता है हमेशा? मैं बोला नहीं, अलग से लगता है। तो बड़ा मज़ा आता है, मतलब लोग आपसे पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर एग्जैक्टली है क्या ये। चलो एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, इसका जो मीटर वायर है वो लगवा लेते हैं। कहाँ पे लगेगा? तो यहाँ पे जो हेलमेट पहनते ना लोग, मैं बताया हूँ यहाँ बस सिर्फ हेलमेट पहनना एक फेस्टिवल होता है, अगर वो फेस्टिवल आएगा तभी हेलमेट पहनेंगे वरना नहीं पहनेंगे। नहीं है बुला गए चलो, या पूरा मार्केट ढूंढ लिया, हम लोगों को इसका मीटर का जो वायर है वो नहीं मिला। तो ये छोटा सा एक बजाज का
सानवी ऑटोमोबाइल्स ऑथोराइज सर्विस सेंटर है, इस पर शायद मिल जाए। लेट्स चेक आउट। नो मास्क नो एंट्री। स्पेयर पार्ट्स, एवेंजर का मीटर वायर नहीं मिलेगा। तो फाइनली दोस्तों, जानवी ऑटोमोबाइल्स में भी मुझे इसका जो वायर है वो नहीं मिला, मीटर वायर। तो ऐसा हो जाता है कि कभी कभी कुछ पार्ट्स जो है बाइक का नहीं मिलता है, पर कोई बात नहीं। अब आने वाले टाइम पे मैं आपको, आने वाले 2-3 वीडियो के बाद ही आपको बाइक के रिव्यूज़ देखने मिलेंगे, और छोटे से छोटा बाइक ही दिखाऊँगा शुरुआत से, और डिटेलिंग बताऊँगा एक एक चीज़ क्या बेस्ट है, कौन सी बाइक बेस्ट है, मतलब टोटल रिव्यू मिलेगा आप लोगों को चैनल पे। अब तो किसको किसको बाइक रिव्यूज़ मेरे थ्रू जानना है, जो मेरा स्टाइल है बताने का, जो जिस तरीके से मैं बात करता हूँ उस तरीके से एकदम, तो भाई कमेंट करना ज़रूर। अगर 2-3 कमेंट भी आ गए ना लोगों के, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा वीडियोज़, और शुरुआत करूँगा बजाज के बाइक से, ठीक है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में, इस राइड में बहुत सारी बातें हो गई मुझे ऐसा लगता है। वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी न्यू व्लॉग में। एज ऑलवेज, गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।